हे एवरीवन, दिस इज सी इंद्रेश गांधी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी क्या हमारी होनी चाहिए। सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम्स आ चुकी है बेटा, और ये एग्जाम्स कब से चालू होने वाली है? 2 मई से चालू होने वाली है। आज की तारीख 27 मार्च है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो 28 से लेके 28 अप्रैल तक हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमें अगर लॉन्ग के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो हमें कैसी अपनी तैयारी रखनी चाहिए। मैं आपको बता दूँ, मैंने जानबूझ के यहाँ पे 28 अप्रैल लिया है बेटा, क्योंकि क्या होता है कि कुछ दिन एग्जाम से 3-4 दिन पहले हम लोग अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी करना चालू कर देते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे 28 अप्रैल रखा है, राइट? तो अप्रोक्स अपने पास 1 महीना पूरा मिलता है। अब इस 1 महीने को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला हिस्सा 28 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक, सेकेंड बेटा 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, थर्ड है 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, एंड नेक्स्ट है बेटा 20 से लेके 28 अप्रैल तक। ऐसे 4 टुकड़े मैंने यहाँ पे किया हूँ। अब सबसे पहला अगर मैं बात करूँ, यानी कि 28 मार्च से 5 अप्रैल तक, आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 10, जो कि दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, फिर इसके साथ साथ छोटे छोटे चैप्टर्स का बैलेंस आउट कर दिया, जैसे चैप्टर 8 हो गया, 6 हो गया 5 हो गया 2 हो गया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स को आप साथ साथ में फिनिश ऑफ कर सकते हैं। तो 2 बड़े चैप्टर्स और बाकी छोटे चैप्टर्स ऐसे आपके कंप्लीट कर अगर आप कर लेते हैं 28 मार्च से 5 अप्रैल तक, तो यहाँ पे आपका पहला फेज यहाँ पे समाप्त होता है। सेकेंड फेज में हम लोगों ने चैप्टर 3 और 4, ये 2 बड़े चैप्टर्स रखा है, देन चैप्टर 9, अगेन ये 3 चैप्टर्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बल्कि हो जाते हैं, बट चैप्टर 11 छोटा है और यहाँ पे LLP भी कंपैरेटिवली छोटा ही है, राइट? तो ये चैप्टर्स आप सेकेंड फेज में कवर करेंगे जब आपको 10 दिन मिल रहे हैं, यानी कि 5 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक। अब मान लो हो सकता है चैप्टर 3 के ऊपर आपकी अच्छी कमांड हो तो आपको कम समय लगे, चैप्टर 4 के ऊपर आपको ज़्यादा समय लगे, चैप्टर नंबर 9 थोड़ा सा बोरिंग होता है, बहुत ज़्यादा थेरी है, रिटेंशन का है, तो आप इसको थोड़ा 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 करके भी 10 दिन में पढ़ सकते हैं, राइट? चैप्टर 11 छोटा सा है और LLP भी कंपैरेटिवली छोटा और इजी ही है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं बेटा सेकंड फेज के अंदर। तीसरे फेज के अंदर आप फेमा, जनरल क्लॉजेस एक्ट और IAS को फिनिश कर देंगे, यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को फिनिश करेंगे। अब ध्यान रखना, यानी कि 15 से लेके 28 के बीच में, अब जब आप ये तीनों फेजेस कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, साथ में आप RTP, MTP और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉड्यूल के क्वेश्चन, क्योंकि ये न्यू कोर्स का पहला अटेम्प्ट है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है बेटा कि इंस्टीट्यूट मॉड्यूल से ही सवाल पूछे। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि 2019 में मेरा जो अटेम्प्ट आया था फाइनल का, वो न्यू सिलेबस उस समय इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका पहला या दूसरा अटेम्प्ट था, और इंस्टीट्यूट ने समझ लीजिए 40-50% ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे थे वो मॉड्यूल से पूछे थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है आपको भी मॉड्यूल के ही सवाल एज इट इज इंस्टीट्यूट, ये नहीं बोलना कि वहां पे मान लीजिए एग्जांपल मॉड्यूल में ए लिमिटेड लिखा है तो आपके एग्जाम में भी ए लिमिटेड आए, नहीं नहीं, लेकिन सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा, इसलिए कह रहा हूं मॉड्यूल के क्वेश्चन करके जाना ही है, RTP MTP करके जाना ही है। कम से कम मिनिमम एक टेस्ट सीरीज आपको देना है, ताकि आपको ये समझे कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। देखो, जब तक आपको ये नहीं समझेगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है ना, आपके मार्क्स में इम्प्रोवाइजेशन या आंसर में इम्प्रोवाइजेशन नहीं होने वाला है। साथ साथ में आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लॉ के अंदर आंसर राइटिंग लिख के देखिए, आंसर्स को आप लिख के नहीं देखेंगे बात नहीं बनेगी। मैं बता दूं आपको कि आंसर राइटिंग के लिए मैं YouTube के ऊपर फ्री वीडियोस लेने वाला हूँ अप्रैल के अंदर, अप्रैल के यानी कि नेक्स्ट महीने में मैं कुछ 10 से 12 सेशंस लूंगा, जहाँ पे मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और साथ साथ में कुछ MCQs भी यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है ना? तो आंसर राइटिंग ये YouTube के ऊपर होने वाला है। इसके साथ साथ बता दूं कि रिविजन के लिए मैंने 1 शॉट वीडियोज ऑलरेडी डाल के रखा हूँ यूट्यूब के ऊपर, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे में पूरा के पूरा चैप्टर 100% कवरेज के साथ कवर है। अगर आपके पास मेरी मॉड्यूल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल या जिस भी कॉपी से जिस भी बुक से आप पढ़ते थे वो बुक को लेके भी आप बैठ के एकदम बढ़िया से आसानी से पूरा पूरा पढ़ सकते हैं। अब इसमें केवल चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 9 रह गया है कंपनीज एक्ट का, बाकी सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, ठीक है ना? तो ये कल आपका अपलोड हो जाएगा चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 9 में 1-2 दिन के अंदर उसको भी अपलोड कर देता हूँ शूट करके, राइट? तो ये पूरे के पूरे वीडियोज क्या हो जाते हैं, आप लोग
लोगों के लिए अवेलेबल है, आप जरूर से इसका फायदा उठाइए। बहुत कम समय में एकदम क्रिस्प कंटेंट है, कट टू कट पूरी बातें की गई है, किसी भी प्रकार की इधर उधर की कुछ बातें नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज मैंने कवर किया हूं इस माध्यम से कि एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आपको उस वीडियोस को रेफर करना पड़े तो आप अच्छे से कर पाओ, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दूसरा कॉन्टेंट है ही नहीं, केवल और केवल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई हमने वहां पर कराई है। ठीक है, तो ये पूरी पूरी चीजें यहाँ पे हो जाती है। अब देखो, एक जो फोर्थ वाला पार्ट था ये छूट गया था, आप बोलोगे सर फोर्थ वाला इसका क्या, तो फोर्थ वाले इसमें आपने री रिविजन करना है। कौन से इसका री रिविजन, जो भी आपको हार्ड टॉपिक्स लगता है, जो भी ऐसे टॉपिक्स आपको लगते हैं कि यार ये टॉपिक्स मेरे को दिक्कत जा रही है, मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या मेरे को दोबारा से रिविजन की जरूरत है, तो ये 8 दिनों में वो टॉपिक्स को ये करिएगा। अब सर मुझे बताओ, ये जो आपने दिया ये मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिया हो बेटा प्लान कि आप साथ साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स को भी कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ कुछ चैप्टर्स, अब आप देखो 10 दिन आपको दिया और यहाँ पे केवल 4-5 चैप्टर्स है, तो ऑब्वियस बात है कुछ कुछ घंटे ही आपको देना है, दिन का 1-1.5 घंटा 2 घंटा भी अगर आप देंगे तो आसानी से आपके चैप्टर्स कवर होंगे और आपके रिविजन बढ़िया से हो जाएंगे। सर अगर हम यूट्यूब के वो वीडियोज देख के चैप्टर्स का रिविजन करें तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% टॉपिक उसके अंदर मैंने कवर करा, कुछ नहीं छोड़ा, लाइक लिटरली छोटे से छोटा सेक्शन उसके अंदर कवर्ड है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत सही वीडियोज है, वो बहुत ही प्रॉपर वीडियोज है, तो आप उसको देख सकते हैं, इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन के नाम से दिख जाएंगे, या मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर वो लिंक को भी पिन करवा दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है एक बेसिक पूरा पूरा प्लान जो आपने 30 दिन के अंदर फॉलो करना है, जिससे आपका रिवीजन भी होगा, दोबारा से टॉपिक रेफर भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे, और साथ साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे देख सकते हो, मतलब प्रॉब्लम भी बताया और उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। कमेंट करके बताइए अगर आपको और भी कुछ रिक्वायर्ड है, जो भी आपको दिक्कत जा रही है प्लीज कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के अंदर, मैं डेफिनेटली उसका सोल्यूशन लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फ्री वीडियोस या कोई छोटा सा शॉर्ट वीडियोस आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, राइट। जरूर से बताएं मुझे, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जाने से पहले इतना कहना चाहूंगा, मैं आपको अल्टीमेट सीए के ऊपर लॉ और ऑडिट दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, इंटरमीडिएट के और फाउंडेशन का लॉ पढ़ाता हूं, आप ultimatecA.com के ऊपर जा सकते हैं और हमारे क्लासेस को परचेज कर सकते हैं, और इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाता है, राइट। तो भूलिएगा नहीं ultimatecA.com। टिल देन थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।